अस्सलाम वालेकुम। आज के स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि बेसिक एनिमेशन गूगल स्केचअप में कैसे होती है। तो सबसे पहले हम स्केचअप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम पहले सीन्स को डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीन वन लेना है, हमने यहाँ पे पहला सीन क्रिएट करना है। तो स्केचअप में बेसिक एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले हमने पहला सीन क्रिएट कर लिया सीन वन के नाम से, और दूसरा हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं डोर के बिल्कुल सामने। ये हमारे पास सेकंड सीन हो गया, और इसके बाद हम एक और सीन करते हैं फ्रंट वाला। हम ये फ्रंट का सीन ले लेते हैं, ये सीन। ये हमने तीन सीन ले लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और जैसे ही हम सीन वन पे सिलेक्ट करते हैं तो सीन वन की बेसिक एनिमेशन होगी और सीन वन पे वो चला जाएगा। ये हमारे पास सीन वन है, हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये हमारा सीन टू है। अभी ये उस डोर की तरफ जाएगा कैमरा मूव होके, और इसके बाद हमारे पास है सीन थ्री। ये हमारा फ्रंट से दिखाएगा उस ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारी एक बेसिक सी एनिमेशन है। और अब हम आते हैं कैमरा में आते हैं, और अगर हम व्यू में आते हैं तो व्यू में आके हमारे पास एनिमेशन है। हम एनिमेशन है और यहाँ पर हम इसको प्ले कर सकते हैं, और उसके साथ इसकी सेटिंग्स है। हम सेटिंग्स में जा सकते हैं, यहाँ पर ये डिले है तो डिले हम 2 सेकंड का दे देते हैं, 2 सेकंड का डिले होगा। और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद हम फाइल में आते हैं, एक्सपोर्ट में आते हैं। तो एनिमेशन यहां से हम इसको इमेज भी निकाल सकते हैं, लाइक रेंडर इमेज निकाल सकते हैं, और हम वीडियो भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम एनिमेटेड वीडियो निकालें, हम वीडियोस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद डेस्कटॉप पे हम इसको करते हैं तो हम लिखते हैं फाइनल वीडियो। और फाइनल वीडियो करके हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, AVI है, और हम MMP4 में करेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होके MP4 फॉर्मेट में हमारे पास आ जाएगी। और ये थोड़ा सा टाइम लेगी एक्सपोर्ट होते वक्त। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास बेसिक एनिमेशन जो हमने स्केचअप में बनाई है, और इसका रेंडर अब हमारे सामने आ गया। इसको हम प्ले कर लेते हैं। ये है हमारे पास बेसिक एनिमेशन जो हमने रेंडर करके लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्केचअप के अंदर एनिमेशन लेना और रेंडर लेना आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।